हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में आपको जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी आपने वीडियो भी देखी होंगी कि KGO में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, काफ़ी टाइटल ऐसे डले हुए हैं कि KGO में के अंदर जो वैकेंसी थी उसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। तो उसकी जो रियल सूचना है या रियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि वो नर्सिंग ऑफिसर का ही एडमिट कार्ड है या फिर या किसी और वैकेंसी का है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो जो एडमिट कार्ड आए हैं वो कौन सी वैकेंसी के एडमिट कार्ड हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दे रखा है यानी कि 18 सितंबर की आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है कि एडमिट कार्ड फॉर द नर्सिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नर्सिंग फैकल्टी के लिए आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसका रिटर्न एग्जाम क्या है 1 अक्टूबर को है, ठीक है। तो काफ़ी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि जो ये एडमिट कार्ड जारी किया गया है, ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया जो कि 1276 पदों की वैकेंसी थी, काफ़ी कैंडिडेट यही सोच रहे हैं कि ये उसी वैकेंसी का एडमिट कार्ड है। तो मैं आपको बता दूँ ये उस वैकेंसी का एडमिट कार्ड नहीं है। ये कौन सी वैकेंसी का एडमिट कार्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे ही अभी तक नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी अपडेट आपको नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये एडमिट कार्ड रियल में नर्सिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी के हैं या फिर किसी और वैकेंसी की यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो दिए गए हैं। तो चलिए हम जो ये एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था किसको, 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। और वो एडवर्टाइजमेंट किसके लिए था कि नर्सिंग कॉलेजों के अंदर, यानी कि नर्सिंग कॉलेजों के अंदर ट्यूटर की वैकेंसी थी, यानी कि ट्यूटर की वैकेंसी थी, और उस ट्यूटर की वैकेंसी के लिए 15 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए थे और उनकी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, यानी कि जो ट्यूटर वाली वैकेंसी है नर्सिंग के लिए वो 1 अक्टूबर को जिसका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं किसके लिए, नर्सिंग ट्यूटर के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि जो आज एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं या फिर ये एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, ये एडमिट कार्ड नर्सिंग ऑफिसर 1276 पदों वाली वैकेंसी के एडमिट कार्ड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट डाउट में ना हो, क्योंकि ये एडमिट कार्ड नर्सिंग ऑफिसर के नहीं है। जैसे ही है नर्सिंग ऑफिसर के एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम डेट के बारे में पता लगेगा या फिर इन्फॉर्मेशन होएगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा या फिर ज़रूर बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।